होगी, देखिए सीरीज इन एंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो सीरीज का मतलब कहलाता है कि सेम करंट होनी चाहिए सारे वायर्स में, तो ही वो सीरीज में कहला सकते हैं। तो इस तरह से जोड़ दिया जाता है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन बन गया। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट का मतलब है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर अगर उस वायर में करंट सेम होगी तो वो वायर इन तीनों का इक्विवेलेंट कहलाएगा। आप इन तीनों को हटा के उस वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर सेम करंट चल रही है तो आप इन तीनों वायर्स को हटाते हुए एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर से शुरू करें, ए से स्टार्ट करें आप इधर, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं आप। तो वी ए माइनस आई आर वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री इक्वल टू वी बी, केवीएल से पहुंच गए, यहाँ लिखिए आप ऐसे ही। अब आपको इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वही होगा जो यहाँ पर है, ठीक है। तो वी ए माइनस आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वी बी, तो आप दोनों को इक्वेट कर दीजिए। वन और टू इक्वेशन से आपको दिखना चाहिए कि आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहलाता है, जिसमें हर रेजिस्टेंस में करंट सेम होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो आर वन आर टू आर थ्री तीनों पैरेलल में है, ठीक है, और आपने यहाँ पर तीनों को हटा के सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ से मान लो वी ए माइनस वी बी लगाया तो आई करंट चली, तो आई वन आई टू आई थ्री ऐसे चली गई। अभी आप इक्विवेलेंट की डेफिनेशन से लिख रहे हो पूरा पोर्शन, जो आर इक्विवेलेंट की डेफिनेशन होगी कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर करंट सेम रहना चाहिए, तो ही वो आर इक्विवेलेंट जो है उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जंक्शन लॉ लगा रहे हैं बेटा, आई आने वाली करंट इक्वल टू नेट जाने वाली, तो कैपिटल आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है। अब आई वन लिख दो आप यहाँ से यहाँ तक, केवीएल से समझ लो या कैसे भी समझ लो, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, आई वन इक्वल टू वी ए माइनस वी पी अपॉन आर वन, आई टू वी ए माइनस वी पी अपॉन आर टू, आई थ्री क्या होगा ये वाला, ये होगा वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर थ्री, यही होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इसको आप देख लो, वन और टू से वी ए माइनस वी बी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, आई को इक्वेट कर दिया, यहाँ का आई और यहाँ का आई इक्वेट कर दिया, तो इससे तो ये बनेगा और इस वाले से ये बनेगा, वी ए माइनस वी बी कट जाएगा। तो ये आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो ये सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन था। अब जैसे इसका एग्जांपल आप करेंगे, वेरी फर्स्ट एग्जांपल, फाइंड आउट करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इन द सर्किट शोन, ठीक है ना, कि इस करंट सप्लाइड बाय बैटरी आपको बताना है कि बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही। तो बैटरी की करंट निकालने का तरीका यही है कि ये जो चार रेजिस्टेंस लग रहे हैं इनकी जगह आप सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें, तो चारों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, वन फोर्थ हो जाएगा, तीन ओम नहीं हो जाएगा क्या, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, बताइए अर्नव आप, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें, अर्नव आवाज आ रही है आपको? नो सर। ओके, तो आपका करंट कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट अपॉन 3 इक्वल टू 1 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आपने सारे पैरेलल की जगह एक लगा दिया, ऐसे ही एग्जांपल यहाँ देखिए, फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहाँ पर आपको ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, इसके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो क्या आपको कोई सीरीज पैरेलल में दिख रहा है कि डायरेक्ट, तो आप रिड्यूस करते जाएंगे सर्किट को अगर ऐसा दिखेगा, बताइए ध्रुव, कोई सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं कि आपको जहां से आप रिड्यूस कर सके ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए? ध्रुव को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो बताओ कौन सा सीरीज में है, छह और ये सिक्स और सिक्स पैरेलल में है क्या, ये वाला और ये वाला, क्या ये सिक्स और सिक्स पैरेलल में हो सकते हैं? ये टिक कर रखे ना मैंने, नहीं तो ये पैरेलल में नहीं हो सकते,
हाँ पैरेलल में नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ सेम है, आप में कितना है वी ए माइनस बी सी, इसका कितना है वी ए माइनस, आप ये देख रहे हो इनके बारे में कुछ कह सकते हो कि एडी और डीसी ये कैसे है? सर ये सीरीज में है। हाँ ये सीरीज में हो गए, तो इनकी जगह एक सिक्स लगाओ, अब जो सिक्स लगेगा वो इस सिक्स के साथ पैरेलल में हो जाएगा, देख रहे बेटा इनको हटा के जो सिक्स लगेगा वो इन सिक्स के साथ क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा, टुकड़ों में कर रखा है क्या मैंने? हाँ कर तो रखा है मैंने ऐसे, देखो थ्री और थ्री की जगह लगाया सिक्स और सिक्स, ये पैरेलल में हो गया, तो सेम पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उनका आधा यहाँ लग जाएगा, तो एसी सी के बीच थ्री आ गया, ये ऑलरेडी थ्री था ये सिक्स है, तो ये वापस से अब सीरीज में आ गए, थ्री और थ्री कितना सिक्स हो जाएगा, सिक्स और सिक्स का आधा ये लग जाएगा थ्री, तो ई और एफ के बीच कितना है थ्री है, ठीक है ना, एफ यही पॉइंट था आपका, एफ यही पॉइंट तो है, ई और एफ के बीच थ्री रेजिस्टेंस, इधर आ गया आपका थ्री, थ्री और थ्री फिर सिक्स, फिर आधा हो गया है, तो एंड में थ्री और थ्री सिक्स, तो इस तरह से आप करते जाएंगे तो एंड में ए और बी के बीच सिक्स और थ्री बच गए पैरेलल में, देख रहे हैं बेटा कितना आसान, ए और बी के बीच में टोटल सिक्स और थ्री पैरेलल में बच गए, तो इनका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जो पैरेलल का होता है, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ऐसे फटाफट निकालेंगे आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, तो टू ओम आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है क्या बेटा?